हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में फाइल कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि फाइल कमांड का क्या यूज है. तो फाइल कमांड जो है, फाइल कमांड इज यूज टू डिटरमिन द टाइप ऑफ ए फाइल. तो फाइल कमांड बताता है कि आपके फाइल का टाइप क्या है. आपकी जो फाइल है वो डायरेक्टरी फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है या फिर कोई और फाइल है. तो इट रिपोर्ट्स द फाइल टाइप इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, दैट इज आस्की टेक्स्ट. तो फाइल कमांड जो है ये आपके फाइल के टाइप को रिपोर्ट करता है, फाइल के टाइप को बताता है और ये बताता है कि आपकी जो फाइल है वो जो है सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में है या फिर माइम टाइप की फाइल है. वो मतलब टेक्स्ट फाइल है या फिर प्लेन फाइल है, प्लेन का मतलब एम्प्टी फाइल है, या फिर कैरेक्टर सेट वाली फाइल है. तो ये सब बताता है. तो किसी भी फाइल के टाइप को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होता है. मतलब यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो ये जो डॉलर का साइन है इसका मतलब है कि आप यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हो. और इसके बाद हमें अपने कमांड को टाइप करना होता है. तो हमारे कमांड का जो नाम है वो है फाइल. तो इस फाइल को हम टाइप करेंगे और इसके बाद किसी भी एक फाइल का नाम दे देंगे. तो ये बताएगा कि वो जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है. वो सिंपल टेक्स्ट फाइल है या फिर माइम टाइप मतलब टेक्स्ट फाइल है, या फिर प्लेन या एम्प्टी फाइल है, या कैरेक्टर सेट वाली कोई फाइल है. तो फाइल टाइप को ये बताता है. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं. तो ये हमारा जो है लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन है. तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है. तो लॉगिन करते ही मैं अपने करंट डायरेक्टरी में आ गया. तो अपने करंट डायरेक्टरी को अगर मुझे चेक करना है तो मैं PWD कमांड से चेक कर सकता हूँ. तो /home/anil ये मेरा करंट डायरेक्टरी है. और अब इसमें मैं चेक करूंगा कि कौन कौन सी फाइल्स मेरे इस करंट डायरेक्टरी में, कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है. तो मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा. तो ये सारी की सारी जो है फाइल्स मेरे करंट डायरेक्टरी में मौजूद है. तो जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर वाला ये डायरेक्टरी फाइल है और बाकी सब टेक्स्ट फाइल है. तो चलिए चेक करते हैं कि ब्लू कलर वाला जो फाइल है वो उस फाइल की टाइप क्या है. तो हम अपने कमांड को टाइप करेंगे FILE फाइल. और इसके बाद जो ब्लू कलर में है एक है DIR, इस फाइल को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं. तो ये बता रहा है कि DIR जो फाइल है वो एक डायरेक्टरी फाइल है. इसके बाद एक और फाइल चेक कर लेते हैं. फाइल कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और राइट साइड में सबसे ऊपर जो है एक फाइल है test1. तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी फाइल है. तो ये मैंने टाइप कर दिया test1 और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया. तो test1 फाइल जो है ये आपकी जो फाइल है, इस फाइल का जो टाइप है ASCII टेक्स्ट वाली फाइल है. ये ASCII टेक्स्ट का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट वाली फाइल है ये. तो इस तरीके से हम फाइल कमांड को यूज करके चेक कर सकते हैं कि वो फाइल किस टाइप की है, डायरेक्टरी फाइल है या फिर ASCII टेक्स्ट वाली सिंपल टेक्स्ट वाली फाइल है या फिर एम्प्टी फाइल है. तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से. ये मैंने क्लियर कर दिया. तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो नेक्स्ट जो है टू शो द फाइल टाइप फॉर ऑल फाइल्स प्रेजेंट इन करंट डायरेक्टरी. अब आपके करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स की टाइप एक बार में हमें चेक करनी है
तो हम क्या करेंगे, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे अपने कमांड का नाम फाइल, और इसके बाद जो है एस्ट्रिक, वहां पे स्पेस के साथ एस्ट्रिक टाइप करेंगे तो आपके करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होगी उन सारे फाइल्स के आगे जो है उस फाइल का टाइप भी शो करेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में हैं, अपने करंट डायरेक्टरी का नाम क्या है। तो PWD/home/anil, मैंने लॉग इन किया है, तो लॉग इन करते ही मैं अपने करंट डायरेक्टरी में आ गया और मेरे डायरेक्टरी का नाम है /home/anil। अब इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी फाइल है, तो ls कमांड से चेक कर सकते हैं, करते हैं तो ये सारी फाइल है। अब इन सारे फाइल्स की टाइप मुझे एक बार में ही जाननी है, तो मैं क्या टाइप करूंगा, FILE फाइल और एस्ट्रिक, स्पेस के साथ एस्ट्रिक और एंटर प्रेस करूंगा तो जितनी भी फाइल्स है सारे फाइल्स के आगे बताएगा कि ये फाइल्स कौन कौन सी फाइल है, मतलब किस टाइप की फाइल है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये बता रहा है jitay.txt फाइल जो है वो एक ASCII टेक्स्ट है, दैट मीन्स सिंपल टेक्स्ट फाइल है, उसके नीचे एम्प्टी फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है। तो इस तरीके से सबके आगे इसने बता दिया कि फाइल का टाइप क्या है। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था फाइल कमांड के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।